दिल्ली में रविवार को कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 72 हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 217 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग इस वायरस को हराकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया। ये समूह कोई भी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सेना में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, इनमें कोलकाता में आर्मी अस्पताल में तैनात सेना के एक कर्नल हैं और दूसरे देहरादून में तैनात जेसी हैं। लॉकडाउन में किसी तरह की मानसिक परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया। लोग 08046110007 पर कॉल करने के बाद मनोचिकित्सकों ने निःशुल्क सलाह उन्हें दे रहे हैं। लॉकडाउन के 5वें दिन केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती से लॉकडाउन कराने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा जाए। देश में लागू लॉकडाउन के बाद के हालातों पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद निगाह रखे हुए हैं। वो खुद रोजाना अलग अलग फील्ड के लोगों को कॉल कर हौसला बढ़ा रहे हैं। बिगड़ते हालात की तैयारी करते हुए सरकार ने देश भर के 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कोरोना आइसोलेशन सेंटर में बदलने का फैसला किया। साथ ही राज्यों में मौजूद 15,000 ITI भी आइसोलेशन सेंटर बन सकते हैं। लॉकडाउन के बीच देश में जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। सरकार ने माल सप्लाई के लिए कंपनियों को भी मालगाड़ी बुकिंग का ऑफर दे दिया। कोरोना से लड़ने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने की घोषणा की। उन्होंने संकट की इस घड़ी में लोगों से भी दान के लिए आगे आने की अपील की। रक्षा मंत्रालय ने पीएम केयर फंड में दान देने की घोषणा की। एक अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ रुपए फंड में दान दिए जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी 1 दिन की सैलरी दान दी है। सुरक्षा बलों की ओर से पीएम केयर फंड को 116 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। पीएम केयर्स फंड में रेल मंत्रालय ने भी 151 करोड़ रुपए का दान दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया। पीएम केयर्स फंड में दान देने के लिए सीबीआई अधिकारी भी आगे आए। सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को ऐलान किया कि वो अपनी 1 दिन की सैलरी इस फंड में दान देंगे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का सेंटर बनाने की घोषणा की। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कोविड-19 फंड में अपनी 1 महीने की सैलरी दान देने की घोषणा की है। उन्होंने क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट को मरीजों की देखभाल के लिए खोलने का प्रस्ताव भी दिया। पार्ले कंपनी अगले 3 हफ्ते तक जरूरतमंदों को बिस्किट के 3 करोड़ पैकेट्स बांटेगी। सन फार्मा कंपनी ने 25 करोड़ रुपए की दवाएं और सैनिटाइजर दान देने की घोषणा की। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि अचानक लॉकडाउन करने से लोगों में बहुत घबराहट और भ्रम पैदा हो गया है। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जिससे ये एक बड़ी त्रासदी ना बने। दुनिया में फैली महामारी के बावजूद लोग राहत कर्मियों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। पंजाब में फोन पर पुलिस को सूचना मिली कि घर में खाने का सामान नहीं है। जब पुलिस खाने का सामान लेकर पहुंची तो घर में पनीर की सब्जी बन रही थी। इसके बाद पुलिस ने दंपति को जमकर फटकार लगा दी। यूपी के मुरादनगर में भी एक महिला ने पुलिस को फोन करके कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पुलिसकर्मी खाने के पैकेट और फल लेकर पहुंचे तो अंदर पूरियां तली जा रही थी और वहां राशन के सामान का ढेर लगा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब सोशल मीडिया के जरिए रोजाना श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अब प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने मकान मालिकों को 1 महीने का किराया न लेने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग किराया नहीं दे सकते उनका 1 महीने का किराया दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली से लोगों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई। सरकार ने DTC बसों में ड्यूटी पास होल्डरों के अलावा बाकी लोगों के चढ़ने पर रोक लगा दी। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कसी है। पुलिस अब दिल्ली से किसी भी बस को यूपी बिहार नहीं जाने देगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले गंगा सूद ने जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने के लिए खुद ही फूड वैन तैयार कर दी। इसके बाद से वो जगह जगह जाकर बेसहारा लोगों को भोजन बांट रही है।
लॉकडाउन के कारण घरों में बंद जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 121 आश्रय स्थल बनाए हैं। इन आश्रय स्थलों में 10,000 लोगों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि राज्य में रोजाना 1,00,000 जरूरतमंदों को शिव भोजन योजना के तहत थाली उपलब्ध कराई जाएगी। 5 रुपए में मिलने वाली ये थाली सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मिलेगी। महाराष्ट्र के नासिक में दूसरे प्रदेशों से हजारों की संख्या में मजदूर आ जाने के कारण लोग तनाव में आ गए हैं। अफसर अब इन लोगों को आश्रय स्थलों में रोककर भोजन पानी के इंतजाम में जुटे। जम्मू कश्मीर में 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 2 लोगों की मौत हो गई। वहां पर 6,465 लोगों को निगरानी में रखा गया। यूपी सरकार ने 16 जिलों के अफसरों को अपने क्षेत्र के निजी मेडिकल कॉलेजों में क्वारंटाइन बेड की व्यवस्था करने की सलाह दी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी कॉलेज संचालकों की होगी। संकट के इस दौर में पुलिस के मानवीय रूप की कई कहानियां सामने आ रही हैं। लखनऊ में तैनात 3 पुलिसकर्मियों दिलीप पटेल, अविनाश उपाध्याय और प्रदीप गंगवार को पता चला कि अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग को खून की जरूरत है। तीनों पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए अस्पताल जाकर 4 यूनिट खून दिया। कुछ समय बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बने जेपी के फ्लैट्स को टेक ओवर कर लिया। वहां पर प्रवासी मजदूरों को ठहरने की योजना बनाई गई है। यूपी के नोएडा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए आरएएफ तैनात की गई। आरएएफ ने नोएडा पुलिस के साथ मिलकर रविवार को शहर में फ्लैग मार्च किया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में जिला प्रशासन ने 28 जगहों को शेल्टर होम की स्थापना की। इन शेल्टर होम्स में 7,000 लोगों के ठहरने और खान पान की सुविधा होगी। यूपी के आगरा में जरूरतमंदों को घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने रोडवेज के 128 बसों के साथ ही आर्मी के 10 ट्रकों को भी मैदान में उतार दिया। जिले के डीएम और एसएसपी खुद पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। हरियाणा सरकार ने अफसरों को आदेश दिया है कि प्रदेश और जिलों की सीमाएं सील कर किसी को भी आने की मंजूरी ना दी जाए। साथ ही जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार की नाराजगी के बाद उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च को लॉकडाउन से छूट और बसें चलाने का फैसला वापस ले लिया। इससे पहले सरकार ने तर्क दिया था कि रास्ते में फंसे लोगों को गांव तक पहुंचाने के लिए 31 तक बसें चलाई जाएंगी। नेपाल सरकार ने उत्तराखंड में फंसे अपने नागरिकों के लिए एंट्री रोक रखी है। इससे भड़के नेपाली नागरिकों ने धारचूला में अपनी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की जनता और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। कोरोना फैलने के बाद भारत मालदीव को लगातार खाद्य सामग्री और दवाइयां भेज रहा है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।